सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 10th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 9 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं एंगल बिटवीन टू लाइन से रिलेटेड फार्मूला बताया था कि दो लाइन का अगर वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को मैं भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। मैं भी जो भी प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो सभी आर डी शर्मा के बुक से हैं, तो आप आर डी शर्मा अगर बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसको देख सकते हैं। तो दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी और बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। डायरेक्शन रेशियो इसी दोनों के प्रोपोर्शनल है दोनों लाइन का, तो हम लोग को एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया भी था कि वी नो दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू। अगर कोई दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है या डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, जैसे ये लाइन है एक और एक लाइन ये है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए इसका है ए वन बी वन और सी वन और इसका है ए टू बी टू और सी टू, तो इसके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो पता रहे तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, इससे एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यही डायरेक्शन रेशियो आप देख रहे हैं दोनों लाइन का, ये लाइन का और ये दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए वन बी वन और सी वन, ये बता रहा है ए टू बी टू और सी टू, ये दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। पहले फॉर्मूला के बारे में लिख लेना है। देखिए, ये जो हम लोग लिख रहे हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम में, अगर 12th क्लास के एग्जाम में जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखिए, या जिस तरीके से आपके बुक में आर डी शर्मा के बुक में या कोई भी बुक में जैसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ रहता है उस तरीके से पूरा डिटेल लिखिए। शॉर्ट में मत जाइए क्योंकि शॉर्ट में आप अगर लिखते हैं तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो कोशिश कीजिए आप पूरा डिटेल लिखने का, कुछ स्टेप को जंप कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप को जंप मत कीजिए। तो जैसे यहाँ पर पहले ये फार्मूला लिख जाइए इस तरीके से कि वी नो दैट द एंगल बिटवीन एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू इज गिवन बाय, पहले फार्मूला। अब इसके बाद इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे कि इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, अगर मान लीजिए जो दिया हुआ लाइन है उसके बीच का एंगल थीटा है तो अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं इस फार्मूला में, तो ए वन बी वन सी वन यही है और ए टू बी टू सी टू ये है। तो यहाँ पर ए वन के जगह क्या हो जाएगा, ए वन के जगह ए होगा, ए टू के जगह देखिए ए टू के जगह बी माइनस सी है, फिर प्लस फिर बी वन इंटू बी टू, तो बी वन के जगह क्या हो जाएगा, बी वन के जगह बी है और बी टू, बी टू के जगह है सी माइनस ए। इसी तरीके से यहाँ पर भी सी वन सी टू, सी वन के जगह सी है और सी टू के जगह, सी टू के जगह ए माइनस बी है और डिवाइडेड बाय रूट ओवर जो भी रूट में है यहाँ पर देख लीजिए ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर यहाँ पर रूट ओवर देखिए ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए
a1b1c1 और a2b2c2 का वैल्यू। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव ला से b इंटू सी माइनस a इंटू बी और फिर a इंटू सी माइनस b इंटू सी। यहाँ पर नीचे जो है वो आप लिख लीजिएगा रूट ओवर ये वाला और ये वाला, ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए सी से माइनस ए सी और बी सी से माइनस बी सी, तो ऊपर जीरो हो गया और नीचे तो यही आप लिखिएगा, तो जीरो डिवाइडेड बाय नन जीरो नंबर ही है ये, तो जीरो डिवाइडेड बाय नन जीरो नंबर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कॉस थिट्टा का वैल्यू जीरो हो गया, यानी कि थिट्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयर फोर थिट्टा इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा, यानी जो दो लाइन दिया हुआ है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। एक ऐसा लाइन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, सपोज कीजिए ये जो लाइन है वो ये वाला है, नंबर वन कर दे रहे हैं इस लाइन को, गिवन लाइन इज दिस, इस लाइन को नंबर वन कर रहे हैं, और एक पॉइंट है माइनस वन टू वन, सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस वन टू वन, माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन। अब सवाल ये है कि एक ऐसा लाइन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, लाइन वन जो दिया हुआ है उसके पैरेलल और यहाँ से पास करता हो, तो यहाँ से पास करता हुआ और जो दिया हुआ लाइन है उसके पैरेलल मात्र एक ही लाइन होगा, तो देयर इज ओनली वन लाइन विच पासेज थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो दिया हुआ है जहाँ से पास कर रहा है, अगर इसका डायरेक्शन रेशियो भी हम लोग को पता चल जाए तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चलेगा, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन के इक्वेशन से इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, और जो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, ये पॉइंट जहां से पास कर रहा है वो पता है, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी, ये सिमेट्रिकल फॉर्म होता है जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है जो पास करता है पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे वाला जो है वो डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन बता रहा है जहाँ से ये पास करता है। तो ये सबसे पहले इस फॉर्म में लाते हैं, जो दिया हुआ लाइन का इक्वेशन है इसी फॉर्म में लाते हैं, इससे डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वन है, y का भी वन है और z का भी वन है, तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी होता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले लाएंगे इसको। तो कैसे लाएंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हम लोग लिखते हैं इसको सबसे पहले 2 से न्यूमरेटर डिनोमेटर में डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू, इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में आ गया, यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो y प्लस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, न्यूमरेटर डिनोमेटर में 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए या माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमेटर में, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस टू और डिवाइडेड बाई माइनस थ्री हो जाएगा। तो अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया, अब हम लोग यहाँ से डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं इस लाइन का, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 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 बाई थ्री माइनस थ्री, टू है फिर टू बाई थ्री है और माइनस थ्री, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का जो दिया हुआ लाइन है उसका ये डायरेक्शन रेशियो हुआ, तो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन वन, गिवन लाइन वन के पैरेलल है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 2 2/3 - 3। जो लाइन का इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो आया है वही इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1 यहाँ से पास कर रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो यहाँ पर लिख चुके हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगा, x माइनस एक्स वन होता है, x1 की जगह पॉइंट है माइनस वन, तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, ए की जगह 2 इक्वल टू y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह 2 है डिवाइडेड बाई b, b की जगह 2/3 और z माइनस जेड वन, जेड वन की जगह 1 है और डिवाइडेड बाई c, c की जगह माइनस 3। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3 से न्यूमरेटर डिनोमेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y माइनस 6 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा, माइनस से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस z डिवाइडेड बाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई लाइन दिया हुआ हो उसके पैरेलल अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है और इस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। जैसे जरा समझिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि सपोज कीजिए ऐसा दो लाइन है और ये जो दो लाइन है इस तरीके से दो लाइन है और यहाँ पर ऊपर में एक पॉइंट है जहाँ से ये पास कर रहा है, ये पॉइंट दिया हुआ 2, 1, 3 तो वहाँ से पास करना चाहिए और इस दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए ऐसा लाइन होगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है और पास कहाँ से कर रहा है, एक ऊपर एक पॉइंट होगा फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से ये पास कर रहा है। तो सपोज कीजिए ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके का फिगर हो, लेकिन मानिए कि सपोज कीजिए ऐसा लाइन है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर से एक लाइन गया है, ऐसा है इस तरीके से थ्री डायमेंशनल फिगर है, सिर्फ इमेजिन कीजिए। तो ऐसा लाइन है एक दूसरे के ऊपर से गया है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए इंटरसेक्ट भी कर सकता है अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन पर होगा तो इंटरसेक्ट भी कर सकता है या ऊपर नीचे रहे ऐसा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से ये पास कर रहा है, P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, 3 और यहाँ से पास करने वाला एक ऐसा लाइन जो इस फर्स्ट पर भी परपेंडिकुलर होगा और सेकेंड पर भी परपेंडिकुलर होगा, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन पर भी। तो ये सपोज कीजिए ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है दोनों पर, तो ध्यान दीजिएगा थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये आपको लग रहा है नहीं लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन मान लीजिए ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है और ये जो एक लाइन हम लोग बनाएंगे ये वाला जो इस पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सपोज कीजिए कि लाइन वन पर भी और लाइन टू पर भी परपेंडिकुलर और यहाँ से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है हम लोग को, तो जरा समझिए कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले गिवन लाइन्स आर, ये जो दो लाइन दिया हुआ है दोनों का इक्वेशन लिख लिए। अब जरा समझिए ये जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है, देखिए एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी है। तो जब सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो ये नीचे जो डिनोमेटर है वो डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 हो गया और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3, 2 और 5 हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1, 2 और 3 और सेकेंड का डायरेक्शन रेशियो हो गया -3, 2 और 5। हम लोग इस रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ए बी और सी, तो लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स बी ए बी सी, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी मान लेते हैं। अब सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस 1 एंड 2, ये जो लाइन है फर्स्ट पर भी परपेंडिकुलर है और सेकेंड पर भी परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहे तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जो होता है वो जीरो होता है, करिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कर लेंगे और उसका सम कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, 1 into a, देयरफॉर 1 into a + 2 into b + 3 into c = 0 हो जाएगा।
वन इंटू ए प्लस टू इंटू बी प्लस थ्री इंटू सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से एक रिलेशन ये आ गया, और फिर चूंकि ये लाइन इस सेकेंड पर भी परपेंडिकुलर रहता है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का भी सम जीरो होगा, तो माइनस थ्री इंटू ए यहाँ पर आ रहा है, माइनस थ्री इंटू ए प्लस आप देखिए टू इंटू बी प्लस फाइव इंटू सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू ए प्लस टू इंटू बी प्लस फाइव इंटू सी इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, पहले ए बी सी कॉमन है तो पहले ए लिख लीजिए, फिर बी लिख लीजिए, फिर सी लिख लीजिए यहाँ पर। अब ए के नीचे लिखने के लिए इसको छोड़ दीजिए, टू इंटू फाइव टेन माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, बी के नीचे लिखने के लिए इसको छोड़ दीजिए, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन और फाइव इंटू वन माइनस फाइव, सी के नीचे लिखने के लिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर वन इंटू टू टू और माइनस खुद है और माइनस यहाँ पर भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ रहा है फोर, ए डिवाइडेड बाय फोर इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय माइनस फोर्टीन, बी डिवाइडेड बाय माइनस फोर्टीन और सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ रहा है सी डिवाइडेड बाय एट आ रहा है, यहाँ पर एट है। अब जरा समझिएगा कि हम लोग आगे क्या करते हैं, दैट इज ऐसा कीजिए जो कॉमन है जो एच सी एफ है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या है टू, तो टू से आप डिवाइड कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय टू और यहाँ पर हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय माइनस सेवन और यहाँ पर हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय फोर, टू से प्रत्येक में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब ये ए बी सी हम लोग माने हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और ए बाय टू इक्वल टू बी बाय माइनस सेवन इक्वल टू सी बाय फोर आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो टू माइनस सेवन और फोर के प्रोपोर्शनल है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग के मान लेते हैं और के यहाँ पर लिख देते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टू के, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेवन के और सी इक्वल टू हो जाएगा फोर के, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो टू माइनस सेवन फोर लिख सकते हैं या के सपोज करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा था जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी निकल गया, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दस द गिवन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट टू कॉमा वन कॉमा थ्री, इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो टू के माइनस सेवन के फोर के, ये डायरेक्शन रेशियो ए बी सी देखिए निकला हुआ है टू के माइनस सेवन के फोर के। तो अब जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के जगह टू डिवाइडेड बाई ए, ए के जगह टू के और इक्वल टू वाई माइनस वाई वन के जगह वन है और डिवाइडेड बाई बी के जगह माइनस सेवन के है और इक्वल टू जेड माइनस जेड वन के जगह थ्री है डिवाइडेड बाई सी के जगह फोर के है। अब के से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस सेवन इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा दो दिए हुए लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम्डा सो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दो लाइन है यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो लिम्डा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर लिम्डा यूज किया हुआ है तो लिम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो गिवन लाइन्स जो दिया हुआ लाइन है वो दोनों को हम लोग लिख लिए हैं। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट तो वन है लेकिन वाई का कोएफिशिएंट माइनस वन है, जेड का कोएफिशिएंट माइनस वन है, तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं जरा देखिए, यहाँ पर ये तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिकल फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय फाइव लेमडा प्लस टू और यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस फाइव, यहाँ पर भी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय प्लस वन,
ये लाइन को हम लोग नंबर थ्री कर देते हैं इस इक्वेशन को। और यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी है x डिवाइडेड बाय वन, यहाँ पर टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो y प्लस वन डिवाइडेड बाय टू लिमडा, और यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइन वन का डायरेक्शन रेशियो ये, ये और ये है, और लाइन फोर का डायरेक्शन रेशियो ये, ये और ये है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स वन एंड टू आर रिस्पेक्टिवली क्या है। यहाँ पर देखिए एक है 5 लिमडा प्लस 2, दूसरा माइनस 5, तीसरा 1, और दूसरे लाइन का क्या है 1 2 लिमडा और 3 है। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द लाइन्स With direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are perpendicular to each other if A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 equal to 0। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये और ये दिया हुआ है तो दोनों परपेंडिकुलर कब होता है, जब ये प्रोडक्ट का सम जीरो हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि since given lines are perpendicular to each other, तो therefore जब ये दिया हुआ लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो हो जाएगा। तो 5 लेमडा प्लस 2 इंटू 1 ये और ये मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस 5 इंटू 2 लेमडा, और फिर प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से ये तो 5 लेमडा प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस 10 लेमडा, और यहाँ पर 3 आ रहा है इक्वल टू 0। अब देखिए 5 लेमडा माइनस 10 लेमडा माइनस 5 लेमडा और 2 प्लस 3 ये 5 हो गया। यहाँ से माइनस 5 लेमडा इक्वल टू माइनस 5 हो जा रहा है और लेमडा का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और लेमडा का वैल्यू निकालना है तो हम लोग ये काम करेंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। कभी कभी सवाल होता है कि दो लाइन को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर शो भी करना रहता है कि प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वैसे केस में क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो दोनों का निकाल लेंगे और हम लोग ये दिखा देंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का सम 0 आ जाए तो वैसे केस में दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल देता है कि दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और इस दोनों लाइन के लाइन पर परपेंडिकुलर है। अभी मैं कार्टेशियन में एक सवाल बता चुका हूँ इस तरीके से, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो देखिए इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइएगा, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे बनाएंगे हम लोग इस सवाल को। देखिए R इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी एक लाइन का इक्वेशन होता है जो पास करता है, ये एक लाइन होता है जो फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर A होता है और B वेक्टर के पैरेलल होता है। ये जो लाइन होता है वो वेक्टर B के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर R इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी R इक्वल टू ए प्लस लेमडा के जगह यहाँ पर म्यू लिखा है, यहाँ लेमडा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक स्केलर म्यू यूज किया है। R इक्वल टू ए प्लस म्यू बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये किसके पैरेलल होगा, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, बी ये है तो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, और ये लाइन किसके पैरेलल होगा, R इक्वल टू ए प्लस म्यू बी, बी के जगह ये है तो इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये वेक्टर B1 है, ये B1 वेक्टर के पैरेलल है और ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। जैसे ये एक लाइन दिया हुआ, सपोज कीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन फर्स्ट हो गया और ये लाइन सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट लाइन जो है वो वेक्टर B1 के पैरेलल है और सेकेंड लाइन जो है वो वेक्टर B2 के पैरेलल है, सेकेंड लाइन वेक्टर B2 के पैरेलल, हाँ सेकेंड लाइन जो है वो वेक्टर B2 के पैरेलल है। ध्यान दीजिए ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। अब सवाल क्या कहता है कि एक ऐसा लाइन निकालना है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो ये दिया हुआ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए मान लीजिए ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 3 के ये दिया हुआ है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो एक ऐसा लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से पास करता है और इस दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो इस पर परपेंडिकुलर कहने का मतलब इस तरीके से, यानी कि इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल B1 है वेक्टर, तो ये B1 पर भी परपेंडिकुलर होगा और 2 के पैरेलल B2 है तो B2 भी पर भी परपेंडिकुलर होगा।
थ्री डायमेंशनल फिगर है, आप सपोज कीजिए ऐसा है और ये जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से है कि ये जो लाइन आएगा वो बी वन पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी टू पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम लोग को इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं बी वन क्रॉस बी टू निकाल लेंगे, बी वन क्रॉस बी टू। जरा ध्यान दीजिएगा, ये बी वन और बी टू तो यहाँ से मिल जाएगा, यही बी वन है और ये बी टू है, तो बी वन क्रॉस बी टू निकाल लीजिएगा। बी वन क्रॉस बी टू, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर बताता है जो उस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। बी वन और बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक ऐसा वेक्टर निकलेगा जो इस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस तरीके का वेक्टर होगा जो दोनों पर भी परपेंडिकुलर होगा। आप सपोज कीजिए यहीं पर मैं ले रहता हूँ, ये वेक्टर ऐसा आएगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर भी ऐसा आएगा जो b1 और b2 दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो रिक्वायर्ड जो लाइन है वो इसी वेक्टर b के पैरेलल हो जाएगा। ये b सपोज कर लीजिए, b1 क्रॉस b2 को b मान लेते हैं, तो रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन हम लोग को निकालना है वो वेक्टर b के पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास करता है। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू b, ये वेक्टर b कैसे ए पॉइंट से पास कर रहा है और ये बी वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे सपोज कर लेना है कि ये फर्स्ट लाइन बी वन वेक्टर के पैरेलल है, सेकेंड लाइन बी टू वेक्टर के पैरेलल है, उसके बाद आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट को बी मान लेना है। लिखेंगे कि द लाइन गिवन लाइन इज पैरेलल टू बी वन क्रॉस बी टू, दैट इज द वेक्टर बी एंड इट इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस थ्री के। तो देयर फॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन रिक्वायर्ड लाइन इज आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो बी का वैल्यू निकला हुआ है वो पुट कर देंगे, तो इस तरीके से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा आर डी शर्मा के बुक में भी, सॉल्व्ड एग्जांपल में भी इस तरीके का सवाल बनाया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।